हमारा सिलसिला ऐसे सखत है मुशायरे मुबारकबाद चौथे मिसरे पे जो मुस्कुराते हुए हर किसी से मिलता है, हमारा सिलसिला ऐसे सखी से मिलता है, अकड़ के मिलने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा वो है जो बड़ी सादगी से मिलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाकई भाई वाह। एक मतला और दो तीन शेर और सुनिएगा, मुलाहजा करें कि मैं आपको शायर भी बनाऊंगा। अभी आप अगर गौर से सुनेंगे तो अगला मिसरा आप बोलेंगे, इंशाल्लाह आप बोलेंगे। अभी शायर बनेंगे आप लोग, ये नौजवान नस्ल शायर बनेंगे। अभी देखिए आप सुनिएगा कि दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी नहीं, दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी नहीं। है है। आप हमसे बेखबर हैं ये खबर अच्छी नहीं। अब देखो आप शायर बनेंगे, गौर अब तवज्जो देना पहले मिसरे पे, दूसरा मिसरा आप बोलेंगे कि दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी नहीं, आप हमसे बेखबर हैं ये खबर अच्छी नहीं, ये खबर अच्छी नहीं है। तमन्नाई तुम्हारी एक नजर के हम मगर जिस नजर से देखते हो। शायर बना दिया आपने सबको, अभी और बनेंगे। है तमन्नाई तुम्हारी एक नजर के हम मगर जिस नजर से देखते हो वो नजर अच्छी नहीं, मंजिलों की जुस्तजू अच्छी तो है हामिद मियां, मंजिलों की जुस्तजू अच्छी तो है हामिद मियां, जिस डगर पर चल रहे हो वो डगर अच्छी नहीं, जिस डगर पर चल रहे हो आपके नीचे से आ रहे हैं, जिस डगर पर चल रहे हो। ये हैदराबाद है दोस्तों, मैं कमोबेश 42 मरतबा हैदराबाद आ चुका हूँ। जिंदाबाद। आपकी जहानतों को मैं हमेशा सलाम करते रहता हूँ। एक मतला और शेर सुनिएगा, बहुत बहुत मुश्किल मतला है, आसान जबान में बहुत मुश्किल शेर है कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं। वाह। मेरे बड़े करम फरमा नवाज देवबंदी साहब जिस मतले पे चौंक कर दाद दी थी, मैं वो मतला सुना रहा हूँ कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। जिनकी दाद आई उनको सलाम, बहुत मुश्किल मतला था कि हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं, इतरों में अब तो हम रोशनी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में अब तो हम रोशनी से डरते हैं, अब तो हम रोशनी से डरते हैं, कल तेरी दुश्मनी से डरते थे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाए, पूरी दुनिया देख रही है आपको कि हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं, इतना रखा गया अंधेरों में अब तो हम रोशनी से डरते हैं, कल तेरी दुश्मनी से डरते थे अब तेरी दोस्ती से डरते हैं, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। दोस्तों इससे अच्छा शेर मैं हैदराबाद को नहीं सुना सकता, मगर पूरी तवज्जो के साथ आपको सुनना पड़ेगा। इतना रखा मॉब लिंचिंग और हामिद भुसावली का ये शेर, इतना रखा गया अंधेरों में अब तो हम रोशनी से डरते हैं, अब तो हम रोशनी से डरते हैं, जब से खौफे खुदा गया दिल से, जब से खौफे खुदा गया दिल से, तब से हम हर किसी से डरते हैं। जब से खौफे खुदा गया दिल से, तब से हम हर किसी से डरते हैं, हम कहां मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं, इतना रखा गया अंधेरों में अब तो हम रोशनी से डरते हैं। मेरा एक शेर पढ़ता हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान में जहां भी जाता हूं मैं एक शेर पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लेता हूं, पता नहीं लोग उसी कैरेक्टर तक पहुंचते हैं। उसके लिए एक खूबसूरत सा मतला सुनिए कि जिसे भी टूट के चाहा बहुत है। वाह। जिसे भी टूट के चाहा, बेटा तुम्हारे जैसे बच्चों को पढ़ाया मैंने, 21 बरस पढ़ाया स्कूल में, उर्दू स्कूल में। ये ऐसे बच्चे बदतमीजी करते थे तो पूरी क्लास का नुकसान होता था, और आज आपकी शगुफ्तगी चेहरे की सलामत रखो, ये उर्दू की बका के लिए बहुत जरूरी है, इसको मजाक में मत बनाओ। कि जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, वाह ये शायरी देखो काम आती है, जिसे भी टूट के चाहा बहुत है,
उसी से रंजो गम पाया बहुत है। जिसे भी टूट के चाहा बहुत है। अब वो कैरेक्टर आपकी नजर में आएगा, मैं कोई नाम नहीं, सीधा आप वहीं पहुंचेंगे इंशाल्लाह। जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, उसी से रंजो गम पाया बहुत है। खफा है इसलिए तुझसे जमाना, तू करता कुछ नहीं कहता बहुत है। खफा है इसलिए तुझसे जमाना, खफा है इसलिए तुझसे जमाना, तू करता कुछ नहीं कहता बहुत है। जिसे भी देखो, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की दाद मिली मुझे शेर पर। अब मैं ऐसे शेर पढ़ता हूँ जो आप अपने, मैं दोबारा भी पढ़ूंगा, अभी आप अपने वालिद की नजर कर सकते हैं। एक मिसरा आपके वालिद आपकी नजर कर सकते हैं, आप अपने नगर सेवक की नजर कर सकते हैं, अपने कायद की नजर कर सकते हैं, अपने प्रधानमंत्री की नजर कर सकते हैं। अभी तो वीडियो में इंस्टाग्राम पे वो मिसरा सरदार सलीम भाई जी, लोग मंदिर में जाके हमिद मुसावली का मिसरा पढ़ रहे हैं, वो मिसरा पढ़ता हूँ। आपसे कह रहा था ना, सुनो बेटे उसके पीछे कर्ब है कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। दर्द मेरा, देखो किसी से भी कह सकते हैं कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती मिलाए हैं। वाह, आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती मिलाए हैं। आप तो मेरे हैं मेरे, आपको रोकेगा कौन। हाय हाय हाय। आखिर में चलते चलते चार में से मुलाहिजा कीजिए कि बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा। वाह, बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। और हदीस के हवाले से दो शेर मुलाहिजा करें, आप लोगों की जिम्मेदारी है इस पे इंसाफ करने की कि बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। दौलत कमाना बन गया जब मकसद हयात, अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा। वाह वाह, दौलत कमाना बन गया जब मकसद हयात, अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा। दिल जो दुखाएगा तू पड़ोसी का रात दिन, तेरी इबादतों में असर कैसे आएगा। वाह वाह, और ये आजादी का जश्न और हामिद मुसावली का शेर, उसके बाद आपकी मोहब्बतें तमाम, आपकी जहमतें तमाम कि बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा, बेलुत्फ शायरी में असर कैसे आएगा। दौलत कमाना बन गया जब मकसद हयात, अच्छे बुरे में फर्क नजर कैसे आएगा। दिल जो दुखाएगा तू पड़ोसी का रात दिन, तेरी इबादतों में असर कैसे आएगा। आजादी वतन में हमारा लहू भी है, जो कम नजर है उनको नजर कैसे आएगा। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। कृष्णगी छोड़